भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति दिए बयान को बताया निंदनीय। प्रदेश में बढ़ते नशे को लेकर सरकार द्वारा संकल्प पहल की शुरुआत। बढ़ते नशे व युवाओं को नशे से बचाना है पहल का उद्देश्य। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग में आयोजित की गई अंडर 19 संस्कृत श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में शिवांश ने पाया पहला स्थान। प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने किया सम्मानित। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने की सुरक्षित भोजन व स्वास्थ्य आहार की जिला स्तरीय सलाहकार समिति बैठक की अध्यक्षता। कहा तय मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करें सभी अधिकारी। लाहौल स्पीति के केलंग के उदयपुर अस्पताल में विधायक अनुराधा राणा ने किया अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण। कहा सप्ताह में 3 दिन सामान्य रोगी व 3 दिन गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सुविधा। सोलन में अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने की जिला स्तरीय टीबी मुक्त पंचायत पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता। कहा जिला में अब तक 48 ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं टीबी मुक्त। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गेटी थिएटर में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटू ने प्राप्त किया पहला स्थान। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम साफ। मौसम विभाग ने कल से 10 अक्टूबर तक प्रदेश के कुछ भागों में बारिश होने का जताया पूर्वानुमान।